कीट को नियंत्रण कैसे करना है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में कीटों को ऐसे कंट्रोल किया गया है कि जो बायो इंसेक्टिसाइड्स जो मार्केट में उपलब्ध है, कि जैसे कि बैसिलस थुरैंजिनेसिस जो डाइपल नाम से आता है, तो उसको हमने 1 लीटर प्रति हेक्टर को यूज़ किया गया है। इससे अलावा बेवेरिया बेसेना जो है वो 1 kg प्रति हेक्टर। उससे अलावा हमने कीटों को ऐसा कंट्रोल किया है कि आपने देख सकते हैं कि ये जो टी शेप की जो खूटी है वो गड़ा देते हैं, तो उसको गाड़ने से क्या होगा, जो भी जो बर्ड्स या पंछियाँ जो है वो बैठ के जो सोयाबीन के अंदर जो इलिया है उसको खा जाता है। उससे अलावा जो ट्रैप्स है, येलो स्टिकी ट्रैप खास करके सफ़ेद मक्खी के लिए, और भी जो लाइट ट्रैप्स है अदर इंसेक्ट्स के लिए, और जो फेरोमोन ट्रैप्स है खास करके जो टोबैको कैटरपिलर और पॉड बोरर है, तो उसको हमने यूज़ करते हैं कि जैसे 25 जो येलो जो फेरोमोन ट्रैप्स है प्रति हेक्टर हमने यूज़ किया गया है। उससे अलावा जो खरपतवार नियंत्रण, इसके ऑर्गेनिक खेत के अंदर बहुत मुश्किल है, तो वो भी हमने इसके अंतर्गत जो है वो हमने हाथ से ही एक बार जो 25 से 40 दिन के बीच में एक बार हाथ से निकला गया है। तो और अगर यदि आपका जो फीड है, जो खेत जो है अच्छा कंडीशन में है, तब आप 15 से 20 या 25 दिन के बीच में आप एक डोरा चला लिया, तो आपका जो खरपतवार है वो नियंत्रण हो जाएगा।